प्रेस के साथ इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर शिवपुरी के नरवर से, जहां शासकीय कन्या हाई स्कूल में हुआ बंदरबाट। छात्राओं को पाठ पढ़ाने वालों ने डाला डाका। स्कूल में की गई लाखों रुपए की अवैध वसूली। पूर्व प्राचार्य मनोज भार्गव के कार्यकाल में हुआ बंदरबाट। शासकीय योजना संबल में पात्र छात्राओं से की गई वसूली। परीक्षा की 2500 रुपए फीस की जगह 925 रुपए वसूले गए। चालू सत्र में छात्राओं से वसूले गए 1,07,50 रुपए। 2021 में 2,49,200 रुपए अधिक फीस वसूली गई। बता दें कि चालू सत्र में छात्राओं से वसूले गए 1,97,750 रुपए। 2021 की बात करें तो 2021 में 2,49,200 रुपए अधिक फीस वसूली गई थी। लगातार जो है अवैध वसूली की खबरें, अवैध वसूली का मामला सामने आया। 2021 में भी छात्राओं से अवैध वसूली की गई थी। जो परीक्षा की फीस है 25 रुपए, उसकी जगह इस बार 925 रुपए छात्राओं से लिए गए हैं। चुलेसी के साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए नरवर से हमारे साथ हमारे संवाददाता कमर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमर, शिवपुरी के नरवर में शासकीय कन्या विद्यालय से खबर आई है, जहां 25 रुपए की जगह 925 रुपए छात्राओं से वसूले गए हैं। ठीक एक साल पहले भी उनसे ज्यादा पैसे लिए गए हैं, क्या कुछ अपडेट्स है? ये पूरा मामला नरवर विकास खंड के शासकीय कन्या हाई स्कूल से जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ पे जो परीक्षा शुल्क कक्षा 9, 10 और 12वीं क्लास की छात्राओं से जो परीक्षा शुल्क ली गई है, वो बिल्कुल अवैध तरीके से ली गई है। जो के संबल योजना में पात्र छात्राएं बच्चियां हैं पढ़ने वाली, उनसे जो 25 रुपए की राशि का शासन के निर्देशानुसार भुगतान होना था, तो उनसे 25 रुपए की जगह 925 रुपए की वसूली की गई है। और फीस लेने के बाद में ना ही कोई विद्यालय में जो जिम्मेदार है, प्राचार्य है या शिक्षक है, उनके द्वारा कोई भी उनको प्राप्ति की रसीद भी नहीं दी गई है। जी, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सबकी मिली भगत है, जो विद्यालय का प्राचार्य है, टीचर से, सबके मिली भगत से ही काम हो रहा है, क्योंकि 2021 में भी ऐसे ही वसूले गए थे पैसे ज्यादा। हाँ, 2021 में क्या, ये 2017 से मैंने एक सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी निकाली है, और जानकारी से ये सारे तथ्य निकल के आए हैं। और फिर जब उनको मैंने खंगाला जाकर, जो है मैंने घर घर जाकर जो बच्चियों से पढ़ने वाली छात्राएं हैं उनसे जब मैंने संपर्क किया, उनके परिजनों से संपर्क किया, जब ये सारे तथ्य सामने निकल के आए कि कहीं ना कहीं पे छात्राओं के साथ बहुत बड़ा, मतलब उनके परिजनों पर भी जो है बहुत बड़ा असर पड़ा है। और अब जो सारी जो परिजन है वो लोग जो है राशि वापस दिलाने के लिए उन्होंने आवेदन भी दे रखे कि हमारे जो हमसे ज्यादा राशि ली गई है उसको वापस आया जाए। जी, तो करीब 2017 से ये सब चल रहा है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई अधिकारियों द्वारा, जो भी इसका जिम्मेदार है उनके द्वारा, क्योंकि पता तो उनको भी चल ही गया होगा कि ये सब चल रहा है। नहीं, मेरा अधिकारियों के द्वारा कभी, मेरे को लग रहा है ये किसी भी, मतलब ऐसे संबंधित विद्यालयों में मॉनिटरिंग नहीं की जाती। जो वरिष्ठ अधिकारी अगर आते भी है तो उनके द्वारा कभी ये नहीं देखा जाता कि भाई स्कूल में क्या चल रहा है, बच्चों के क्या हालात है, शिक्षक वहाँ पे क्या कर रहे हैं। या तो मनमानी चल रही है, अपनी मर्जी से शासन के नियम और निर्देश तो ताक में रखे हुए हैं, बाकी जितने भी स्कूल में जिम्मेदार है, शिक्षक है या प्राचार्य है, तो उनके द्वारा एक बहुत बड़ी लापरवाही बरती गई है। जी बिल्कुल, तो अब खबरें भी बिल्कुल सामने आ गई है और सब कुछ सामने ही है, तो अब हमें भी उम्मीद है कि शिक्षा विभाग जागेगा और इस पर जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो शिवपुरी के नरवर से हमने आपको खबर बताई, जहां अवैध रूप से जो है छात्राओं से फीस वसूली जा रही है। परीक्षा फीस 25 रुपए की जगह 925 रुपए छात्राओं से लिए जा रहे हैं। लगातार इस तरह के मामले यहां से सामने आ रहे हैं।